नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। पटना में लाखों रुपए के चरस को बरामद किया गया। दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांधी मैदान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि दो चरस तस्कर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 2.5 किलो के अधिक चरस बरामद किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक काठमांडू से पटना चलने वाली बस से हो रही चरस की तस्करी हो रही, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर गांधी मैदान बाकीपुर बस स्टैंड में पुलिस ने छापेमारी किया और दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान तस्कर रवि शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जिसका निशानदेही पर शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के समरपुरा इलाके से आशीष नामक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बरामद चरस की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के दो तस्करों को पटना की गांधी मैदान थाने की पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 2.5 किलो चरस जब्त किया है। बरामद चरस की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों में राजस्थान के झुंझुनू निवासी रवि शर्मा और पटना के समनपुरा राजा बाजार का आसिफ शामिल है। रवि शर्मा के पास से 1 किलो और आसिफ के पास से 1.5 किलो चरस बरामद हुए हैं। इसकी पुष्टि गांधी मैदान थाना प्रभारी रंजीत वत्स ने की है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस समेत खुफिया विभाग की टीम जांच कर उनके गिरोह के कनेक्शन खंगालने में जुट गई। आपको बता दें कि समझा जा रहा है कि दोनों से पूछताछ के बाद इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की भी राह मुश्किल हो। रवि शर्मा के पास से 1 किलो और आसिफ के पास से 1.5 किलो चरस को बरामद किया गया। इसकी पुष्टि गांधी मैदान थाना प्रभारी रंजीत वत्स ने किया। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज पुलिस ने समेत खुफिया विभाग की टीम को जांच में लगा दिया है और उससे कनेक्शन हर लोगों को खंगालने में जुटे हैं। समझा जा रहा है कि दोनों से पूछताछ के बाद इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करे भी राह मुश्किल हो जाएगी। पुलिस को जांच में पता चला है कि रवि शर्मा और आसिफ नेपाल से चरस की खेप को अक्सर लाते थे। पिछले कई माह से दोनों सक्रिय थे। जब्त की गई चरस इन्हें दिल्ली पहुंचानी थी। दिल्ली में चरस से दी जानी थी। दोनों से यह जानने की कोशिशों में पुलिस जुटी है। गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों के नाम सामने आने पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। चरस कैनबिस के पौधे से निकला रेजिन से तैयार होता है। ये रेजिन भी इस पौधे का हिस्सा है। रेजिन पेड़ पौधे से निकालने वाला एक चिपचिपा मटेरियल है। इसे ही चरस कहते हैं और कहा जाता है कि भारत में एंड साइकोट्रॉपिक सब्जेक्ट्स एक्ट 1985 के तहत कैनबिस के किसी भी तरह के सेवन पर प्रतिबंध है। हालांकि मेडिकल साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल मकसद से इसको उगाने की छूट दी गई है। कानून में कैनबिस के 3 रूप हैं: चरस, हसीस, तेल और गांजा। भांग पर बैन नहीं है, लेकिन चरस उगाने और रेगुलेशन पर बैन है। साथ ही कम मात्रा में गांजा होने पर भी जेल हो सकती है। ज्यादा मात्रा में मिला तो कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान है। 100 ग्राम गांजा रखने पर भी व्यक्ति को 6 महीने की जेल हो सकती है। तो देखिए कैसे गांधी मैदान की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह की तमाम छोटे बड़े खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC 24।